अभी हमारे सूतने के लिए तैयार है। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, और आशा करता हूँ आप भी मस्त होंगे और घर पे भले चंगे होंगे। और आज तो अलीगढ़ में इतना कोहरा हो रहा है, देखो पूरे में ऐसा कोहरा ही कोहरा। और रोड पे गया था ही मैं, मम्मी ने वो मंगाई थी चीनी, खत्म हो गई थी तो, और चीनी लेने गया और इतना कोहरा, मतलब कि दिख ही नहीं रहा कि सामने से वाहन कौन सा आ रहा है, और इतना कोहरा हो रहा है। और मैं अभी अभी जगा हूँ और मम्मी सीधे मुझे भेज दे कहते चीनी लेने के लिए। और आज मैं स्कूल नहीं गया, आज स्कूल की छुट्टी मार ली क्योंकि दीदी सो रही है और मुझे छोड़ने वाला कोई था नहीं। और अभी मैं चाय पीने के लिए जा रहा हूँ, नीचे चाय रखी है, मम्मी से बना देता हूँ। मम्मी देखो ये नहीं जो मुझे सुबह सुबह जगा देती है, चाय के संग मस्त बिस्किट खाएंगे, चाय चाय अपने घर में। और ठंडो में तो बस ये है कि चाय मिलती रहे, मैं आधा चाय पी गई। और खासकर चाय हो अदरक की तो डबल, पहले चाय कर दी है और मम्मी ने बताया पालक वालक का निकाल के रख लिया, शायद इसकी सब्जी बनाएंगी मम्मी। मैं तो इडली सांभर के खाऊंगा, मम्मी से इडली सांभर बना दो जल्दी जग। मम्मी सात चवालीस पे ही जगो आप, तो मैं सब्जी काट दूंगा तुम्हें इडली सांभर बना दी है ना। कल से प्लान हो रहा है इडली सांभर बनने का, पर आज फाइनली बनी गई, बनेगी। हमारी सिम्मी को क्या फैली पड़ी है आराम से, ये मैंने अपनी याली टी शर्ट इसके नीचे रख दी थी ये, और इतनी गर्म कर दी इसने, मैं इसको पहन के सो गया। थैंक यू जी, थैंक यू सो जाओ जी। रात भर मैं इसको उड़ाता हूँ, तीन चार कंबल ये उड़ती है, फिर मेरा भी कंबल अलग से उड़ती है। मेरी कंबल बस हो गई और मुझे उसका कहते हैं मैं कंबल खींच रहा, मैं कह रहा हूँ कहाँ फंस गए, अब मैं जगह जगह जगाने को मना कर रहा हूँ। दीदी सो रही है भाई, दीदी नहीं उठने वाली आज। भालू होता है ना कि सर्दियों के टाइम पे बाहर निकलता है, ऐसे भाई दीदी का हाल है। हाँ मम्मी को चाय ले ली, और मम्मी फिर मैं काशी वाला लौकी काट दू, अभी पहले चाय पी के हाथ धो के जब है? हाँ तो चाय पी लेता हूँ पहले, चाय ले लिए। अभी क्या हुआ, मम्मी ने बिस्किट खोल के दिया है, देखो चाय पकड़ के बैठे गिरा रहा था, पेट के लिए काम बढ़िया है, तो मैं चाय पी लेता हूँ पहले। एक बाल भी देखो है चंपू से, फिर चंपू कैसे कहते हैं चंपू, तो गेट बंद कर रहा है बाहर से, खोल के मैं चाय तो पी लिए। और मम्मी ने देखो झाड़ू पे क्या चढ़ाया है, बैठ की ग्रिप थी मेरे पुराने वाले तो वो फट गया था, ग्रिप फट गई थी तो मैंने ऐसे गाल फेंक दी और मम्मी ने इस पे लगा ली। अभी हमारे सूतने के लिए तैयार है, और अभी तो मैं पूरे घर की सफाई कर रहा हूँ अकेले मिलके। अरे देखो हाँ इतनी सारे सब काम कर रहा हूँ, और अलवाड़ी में दीदी ने इतनी सारी गंदगी भर रखी थी तो इसको भी साफ कर रहा हूँ, तो मैंने निकाल लिया है। और अभी भी इसमें बाकी है, इसको थोड़ा वो साफ करूंगा, इसको साफ करूंगा, इसके नीचे मेरी देखो ये पेन रखी है ना, इनको निकालना है, और उसमें पेन पेंसिल वगैरह फालतू पड़ी है मेरी, उनको एक जगह इकट्ठा करने में काम आएगा। तो नीचे वो स्टडी टेबल है उस पर रख दूंगा ले आकर। और एक जगह मिली है मुझे, अरे दीदी के छोटेपन का, अरे जी है, अरे ये है दीदी, अभी से नहीं शुरू से ही बुरी लगती थी, ऐसी बात नहीं है कि अभी बुरी हो। और यहाँ मम्मी के पुराने जमाने की फोटो, ठीक है अब मत दिखा, अब मत दिखा। मेरी एक भी नहीं है छोटेपन की फोटो, इन्हें ये दीदी दीदी तो पहले मैं अब उसको ढूंढ रहा हूँ तो मिल जाए। और इसके संग जो एक सामान हो रहा है वो दिखाऊँ, बड़ा मस्त सामान है। अपनी पूरी अलवाड़ी तो साफ कर ली एकदम, एक सामान सेट करके लगा दिए, इसमें भी लगा दिए सामान सेट करके, इसमें थोड़ा बहुत बिखरा बिखरा सा लग रहा है, इसकी वजह से कपड़े वगैरह रखे हैं ना इसमें छोटे छोटे भगवान जी के, जो हमारी मम्मी है ना तो वो सिलाई वगैरह करती हैं, तो ऐसे कपड़े काट काट के रख लिए हैं इनने। अब वो मेरी अलवाड़ी में भाई गोप्रो का एक बैग साफ कर दिया, और ज़्यादातर दीदी का कितना सामान निकला है, चिमटी पिमटी, और ये मेरी एक्स्ट्रा ग्लव्स भी हैं, और जिसको नीड हो वो कमेंट में लिख के जरूर बताएं, मैं उसको दे सकता हूँ। और यही बचे हैं एक और जोड़ी थे,
वो मेरे अकेडमी में एक छोटू सा भाई लड़का था, तो मैंने वो उसको दे दिए। ये बच्चे हैं, ये बस थोड़े से फट रहे हैं, पर ये है हाँ कि प्रैक्टिस के काम तो आ ही जाएंगे आपके। 10 की 10-12 साल का तो वो आराम से पहन सकता है इनको, तो मैं तो ये संभाल के रख दिए हैं। जिसको भी जरूरत हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और पहले ये सामान सब कुछ सेट कर देते हैं, फिर आपको एक बहुत ही ज़्यादा मस्ती चीज़ दिखाऊंगा। दिखानी है ना, वो है इस वाले ड्रॉल में। तो पहले मैं उसको निकालता हूँ। लेके चलते हैं, तब खुलेंगे क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह है तो वो गिर गई ना। मम्मी तुरंत सुना के बाहर कर दी। मम्मी ने अभी झाड़ू मारी है यहाँ पर पूरे, दीदी ने मुझे साफ करा। तो पहले इसको साफ कर लेता हूँ मैं, वहाँ सारा यहाँ कूड़ा निकाल देता हूँ उसका सारा। तो निकाल के तो मैंने ये साफ कर दिया है। तो ये देखो, ये है इसमें लाइट, और ये टिकटॉक की लाइट जैसी है। पर इसको निकालता हूँ पहले, फिर आपको जला के दिखाता हूँ। ये देखो, ये लगाई यहाँ, लग जाएगा। हाँ, ये लग गई। और इसकी ये बॉल वॉल जो है ना उल्टी सीधी जा रही है, और थोड़ी देर में सब सही हो जाएंगी। और ये इससे, ये देखो पास से दिखा दे, ये देखो। अब इसको ऊपर कर दूंगा, इसको नीचे कर लिया और फिर इसको ऊपर कर दिया, फिर स्टार्ट हो गई। है कमाल की चीज, और दोबारा से नीचे फिर ऊपर, और बिल्कुल टिकटॉक लाइट की तरह काम कर रही है। ये ना मैं अपनी स्टडी टेबल पे लगा लूँगी, यहाँ पे लगने के बाद बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ लग जाएगा आराम से अपना, और बहुत अच्छा लगेगा। फिर यहाँ लग जाए तो इसको यहाँ लगाने की जुगाड़ करूंगा। पर अभी मैं जा रहा हूँ, पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ, ट्यूशन देखेंगे, ट्यूशन का काम तो वो भी करना है मुझे। वाला होल्डर में प्लग लगा, तो वो वाला होल्डर जो है ना वहाँ लगा दूंगा सामने की तरफ, उस वाले होल्डर में सही रहेगा। तो वहां से वो कनेक्ट हो जाएगा, तार आराम से वहां तक पहुंच रहा है। मैंने अभी चेक कर लिया है, कमरा साफ कर लिया। बस ये यहाँ पे कपड़े जो है ना धुलने के, ये ही नहीं धुले, और ये धुल जाएंगे तो मेरा पूरा कमरा साफ हो जाएगा। ठीक हो गया, इसकी ये साफ कर दिया मैंने अच्छे तरीके से पूरा। ये बेड वगैरह देखो, एकदम बेड सेट वगैरह एकदम सेट करके लगा दी। तो अब बैठ जाता हूँ पढ़ने के लिए। मैं अपनी कॉपी किताब भी ऊपर ही ले आया था, ये रही, तो इसको लगाता हूँ, रखता हूँ उसको। आ गई हमारी किताब पढ़ने के लिए। तो हिंदी में याद करनी है 2 चैप्टर, 5-6 इसमें डायग्राम है वो याद करना है, हार्ट वगैरह का, और करनी है मुझे मैट्रिक्स के सवाल। तो फाइंड द तो बस वो याद करना रह गया है। मम्मी ने सवाल मुझसे कही थी कि मैं बनाऊंगी इडली सांभर, तो मम्मी ने इडली सांभर बनने रख दी है, ये बना रही है इडली सांभर मम्मी अभी। खाटू जी के गाने सुनते सुनते ओवन में भी बन रख दिया। कितनी बन गई, ये बन गई, ये रही, और अपनी सांभर इसमें बनी रही है। सांभर बनने तो तक मैं नहा के भी आया था, उसके मैं सांस नहाया नहीं हूँ। पहले नहा लेता हूँ, फिर उसके बाद खाऊंगा इडली सांभर बड़े मजे से। घर भी आ चुका हूँ और मैं ले रहा हूँ अभी इडली सांभर। मम्मी अपने जो इडली सांभर के बर्तन हुए उनको धो रही है, और मैं लेता हूँ गर्मा गर्म इडली सांभर। वो थोड़ी सी मम्मी बात थोड़ी सी हमें इसमें रखी है, मम्मी ने ऐसा कम बनाई है, तो जो है ना सांभर वाले बिगड़े आते हैं कभी कभार। इस बार कम बनाई है, ये सांभर तो मैंने ले लिया। और इसमें है कृष्णा जी के माखन का, एक बार मंदिर में भोग लगा था कल, तो वो माखन है इसमें। पापा लेके आए थे, माखन मिश्री पापा लेके आए थे, तो मुझे दे दिया। तो मैं अब इसके संग खा लेता हूँ, मीठे में काम आएगा मेरे। हाँ हाँ, खाना खा के ले जाऊंगा, और नीचे ट्यूशन वाले बच्चे आ गए हैं ना, तो मैं सिमी कर करके पसंद कर रही है, तो पहले इसको भी नीचे लेके आता हूँ। सिमी अरे तू, चल ऊपर, चल बदतमी लड़की, चल चल किधर में जाके, किधर में। मम्मी गेट लगा लियो अंदर से, मैंने ही लगा दो बाहर से, लेकिन बंद करके आया हूँ।
नीचे कोई बच्चे आ रहे हैं अंदर ट्यूशन वाले, तो उनको भाग भाग के पढ़ती है। लो मम्मी ने अंदर कर दिया। अब खाता हूँ एकदम गर्मा गर्म इडली सांभर। ज्यादातर लोगों को इडली सांभर पसंद है, मुझे उन मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। अब चल रही थी इडली सांभर बनाने की, पर आज जाके मम्मी ने बनाए खा लिया है और अभी बनने रखी थी। खाना खाने के बाद चाय, तो चाय बन चुकी है और नीचे नानी को देख के आता हूँ, मम्मी को भी देख के आता हूँ, थोड़ा समय पीऊँगा। खोल रही है अभी, तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और आज बाहर अभी होने वाली है, थोड़ी थोड़ी शाम होने वाली है, तो उसके बाद बढ़ जाएगी ठंड, तभी मैं जैकेट वगैरह पहन लूँगा। अभी तो मौसम में ऐसा मस्त सा हो रहा है, सूरज देखो कितना मस्त चमक रहा है अपना। चाय भी बन छन चुकी है और चाय खोल चुकी है, तो मैं चाय भी छान ली और इसको अब देख के आता हूँ दीदी को। दीदी ये लो चाय। जल्दी जल्दी आओ, चाय ले आया, मम्मी को भी चाय दिया, अपनी भी चाय ले ली मैंने। और चाय पीने के बाद फिर मैं दोबारा से बैठ जाऊंगा ये डायग्राम याद करने के लिए। देखो कैसा डायग्राम है, याद तो हो जाएगा पर थोड़ा टाइम लगेगा। ये रहा, ये देखो ये रहा डायग्राम, और इसमें ये सब लेवलिंग याद करनी है। पर इसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो याद कर लूँगा, ज़्यादा सारी इम्पोर्टेंट है और दो तीन छोड़नी पड़ेंगी। मैंने हार्ट का डायग्राम भी याद कर लिया है और अभी टाइम हो रहा है 7:15, सर के आने का भी टाइम हो चुका है। तो अभी मैं आया हूँ अपनी मैथ की बुक वगैरह लेने के लिए। मैथ की बुक तो ले ली है मैंने, और मम्मी ने गर्मा गर्म चाय बनाई थी तो चाय भी ले ली। तब आपको ट्यूशन पढ़ने के बाद अभी पहले ये रिवाइज कर लूँ हिंदी का, और फिर एक बार पीछे का राइट ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल याद कर लेता हूँ, रिवाइज कर लेता हूँ, याद तो हुई है। तो मैं ट्यूशन पढ़ा के जा चुके हैं, और बायोलॉजी का मैंने हार्ट जो है ना सन्ने बनाने को प्लस लेवल करने को दिया था, और मैं खाली लेवलिंग याद कर लेता हूँ। सर फिर से वही काम देके चले गए कि वो याद करना है। अब मैट्रिक शिक्षा वाले में भी मेरे हो चुके हैं, हिंदी का सुना दिया, बायो का रह गया बस। तो सर सेम एज वही काम दोबारा से देके गए हैं आज, और दीदी भी आ चुकी हैं अपनी कोचिंग से आधे वक्त में, और हमारी से मिस हो रही है यहाँ पर आराम से। पट्टू जी ये रही पूजी, आप ये सिम्मी आज बहुत भौंकी है, मैं पढ़ रहा हूँ ये ऊपर से भौंकने में लगी हुई है अपना पागल सी लड़की। और ये देखो ये गेट खुला हुआ है, इतनी ठंड हो रही है ये गेट खुले हुए हैं, और रोशनी कम हो रही है लाइट। हाँ वो करते हैं यहीं पर एंड, और मेरे बाल कितने मस्त लग रहे हैं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, आई एंड साइड ब्लॉग मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक थैंक यू वॉचिंग।